अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मैं, चाचा, समद, आमिर चल दिए हैं नजीबाबाद। आज है दावत वलीमा वसीक का, तो चलिए मिलते हैं आज के इस प्रोग्राम में, दिखाते हैं वहाँ के कुछ व्यू। तो फाइनली पहुंच चुके हैं तमन्ना मैरिज हॉल नजीबाबाद, चलिए कर रहे हैं एंट्री। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं नजीबाबाद, और नजीबाबाद के तमन्ना मैरिज हॉल में हम पहुंचे हैं। तो आज है दावत वलीमा वसीक भाई का, तो चलिए करते हैं ज्वाइन। तो यहां पर है बैठने का इंतजाम किया गया मेहमानों का, सामने चल रहा है खाना, चलिए थोड़े से व्यू आपको दिखाते हैं खाने के। दोस्तों, खाने में है बिरयानी और निहारी, वाइट कोरमा। तो लोग ले रहे हैं आज का ये लंच दावत वलीमा वसीक भाई। तो माशाल्लाह, अलीगढ़ का प्रोग्राम बढ़िया रहा। जब से आप यहीं चले गए थे दिल्ली? दिल्ली चले गए। अच्छा, अब आज यहाँ हैं? अच्छा, माशाल्लाह। तो देखिए, ये है मोहब्बत जो है अपनों की, दिल्ली गए फिर वापसी लौट गए, दिल्ली से फिर वापस आ रहे हैं। जी, सही बात है। जजाकल्ला। नाश्ते की अगर बात की जाए तो नाश्ते में यहाँ पर स्वीट है और टिक्की है, दही बल्ले हैं, पानी बताशे हैं, और लास्ट में है चाय। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का लंच दावत वलीमा, और खाना खाने के बाद लोगों से ढेर सारी होगी गुफ्तगु। यहाँ पर रखी हुई हैं प्लेटें, चलिए लेते हैं खाना। तो हमने ले लिया है बिरयानी है और वाइट चिकन है, चलिए फिनिश करके मिलते हैं। तो खाना हम ले चुके हैं हमारे साहब। एक बात तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं फूड में, उतने ही ज़्यादा ज़ाया होता है खाना। माशाल्लाह, दो तीन ऑप्शन है यहाँ पर, और खाना इतना शानदार हो रहा है। अगर मैं बात करूँ निहारी, वाइट चिकन और बिरयानी और नान, बाकी आप यहाँ पर डिज़र्ट में देख सकते हैं रसगुल्ला वगैरह है, टी है और नाश्ता भी है। बहुत ऑप्शनली कम होने के बाद खाना ज़्यादा खाया जाता है, मैं ये समझता हूँ, और ज़ाया नहीं होता बिल्कुल। तो सोशल मैसेज ये देना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिटी को कि भाइयों, खाने को ज़ाया ना किया करें। लोग बहुत ज़्यादा भूखे सोते हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो वेस्ट ना करा करें, जितना खाना है उतना ले, और डस्टबिन का ज़रूर प्रयोग किया करें। तो चलिए लेते हैं डिज़र्ट और कुछ उसके बाद लेंगे चाय वगैरह। ले रहे हैं इस वक्त हम डिज़र्ट, एक देना एक पीस। तो हमारा रसगुल्ला, लो जी मार साहब। मैं कॉफ़ी, इसमें चॉकलेट पहले डाल देता हूँ। चाय भी इस वक्त जो है सेल्फ सर्विस हो चुकी है, पहली दफे देख रहा हूँ चाय भी सेल्फ सर्विस है, और जितनी आपको लेनी है आप खुद ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा आसानी के साथ यहाँ पर जो है चाय अवेलेबल है। दोस्तों, इस शख्सियत को पहचानते हैं आप? अभी भाई की जो है शादी करके ये सुस्ता ही रहे थे, इनके हाथ में फिर से कोरमा और रोटी आ गई है नान। तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? एक काम हो रहा है, पहले वो करूंगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है मेहमान हजार का क्राउड बढ़ रहा है, लगभग डेढ़ बज चुका है, हम खाना ले चुके हैं, अब धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं और ले रहे हैं खाना। खाना यकीनन बहुत यम्मी टेस्टी है। तो भाई फैजू, शागिर भाई, अजीजू भाई और हमारे इरशाद भाई, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत यादें अभी है या नहीं दिमाग में अलीगढ़ की? हाँ, यादें तो बरकरार है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। दोस्तों, चूंकि दावत वलीमा है, कुछ खास आज होता नहीं है, मोस्टली बस यहाँ पर मेहमानों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं, दावत होती है, और एक ही रस्म जिसको बोलते हैं दशहरी। अलीगढ़ से आएंगे लोग और आज लड़की जाएगी अपने घर वापसी। तो भाई इकबाल और फैजुर रहमान ले रहे हैं यहाँ पर हमें नाश्ते की तरफ, और फैजुर रहमान ले रहे हैं डिजर्ट और इकबाल भाई दही बल्ला वगैरह। तो यहाँ पर खड़े हुए हैं कुछ यार दोस्त विशाल भाई के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन एडवांस में। आप शायद सुना मैंने के उम्रे पे जा रहे हैं जी, 14 को जी। तो उसके लिए जो है मुबारकबाद, और हमारे लिए भी दुआ करना इंशाल्लाह। तो बताएं कुछ प्रोग्राम के बारे में। बस कुछ नहीं, 13 की रात को निकलेंगे हम, सुबह में फ्लाइट है। सुबह में फ्लाइट, माशाल्लाह। तो अलीगढ़ बारात में नहीं पहुँचे? हाँ, मेरे को कुछ काम था, इंटर्नशिप चल रही है ना मेरी, तो मेरा उसमें। अच्छा अच्छा, तो किसी वजह से विशाल पहुँच नहीं पाए अलीगढ़। और हमारे जो है चार्मिंग हैंडसम
भाई रिजवान पहुंच चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। चामिन हैंडसम कितने हैं और बताएं कैसा रहा सफर? हमारे चामिन हैंडसम कितने हैं? क्या क्या बोला तूने? बहुत ज्यादा। और बताएं कैसा रहा सफर? सफर बहुत लंबा होने लगा बाइक से। बाइक से लंबा होने लगा, दिल्ली से अभी बिल्कुल पहुंचे हैं। तो चलिए इंशाल्लाह लें, खाना होगी बातचीत। उस्ताद भाई वगैरह और भी गुलजार भाई पहुंचे हैं खतौली से, अस्सलाम वालेकुम। ले रहे हैं तमाम लोग खाना। ओह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कब आई तशरीफ? अभी एक घंटा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, लीजिए खाना, होगी बात। तो भाई अजमल जो है ना तो अलीगढ़ दिखाई दिए ना मंडे में दिखाई दिए, अब दिखाई दिया है। कहाँ थे अजमल भाई? नहीं भाई ने काट दिया। तो दोस्तों देखिए, इधर जो है नेटोरी अपना ग्रुप बना के यहाँ खड़े हुए हैं। क्या इरादा है कैसे? तुम तो बिल्कुल ग्रुप बना के और सिर्फ एक नजियाबादी खड़ा हुआ है, कहीं इसको घेरने का इरादा तो नहीं है? तो आज के दूल्हा वसीम भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, कल शेरवानी में, परसों सॉरी, और आज इस कोट ब्रांड में माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आए हुए हैं वसीम भाई के फ्रेंड्स। तो चूँकि बारात में सब पहुंच नहीं पाए थे तो अभी मुलाकात हो रही है भाई वसीक से। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वसीक भाई माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वसीक भाई के फ्रेंड यहाँ पर पहुंचे हैं, आज दावत वलीमा है तो भाई पहुंचे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा प्रोग्राम रहा आज का जी, अच्छा इंतजाम का जी। आगे इंशाल्लाह ये खुश रहे, बिल्कुल दुआ है इंशाल्लाह जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? फ़खर की बात है, वसीक भाई के वलीमे में शिरकत करने का मौका मिला माशाल्लाह, और तमाम दुआएं हमारी उनके साथ हैं नए जोड़े के साथ जी। ये उनकी आने वाली जिंदगी तमाम खुशियों से भरपूर रहे जी, और अल्लाह ताला तमाम रहमतों और रहमतों से नवाजे। तो माशाल्लाह हमारे सभी भाई दोस्त आए हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो दावत वलीमा है, कब आ रहे थे सर? भाइयों से, भाइयों का इंटरव्यू ले लो जी जी। अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो नबी की अहम तरीन सुन्नतों में से एक सुन्नत है, बिल्कुल मुकम्मल मोमिन ही अब हुए भाई वसीक हमारे। जी जी जी, रही बात, बिल्कुल ये है कमाल की बात, इसमें कोई शक नहीं। अब जो भी अमल करेंगे डबल सवाब है उसका, बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। ये हमारा छोटा भाई नदीम पहुंचा है खाने में। तो माशाल्लाह आज है वसीक भाई का दावत वलीमा, अलीगढ़ आज जो है सिमट चुका है नजीबाबाद में माशाल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारक हो वसीक भाई माशाल्लाह। तमाम आपके साथी दोस्त कुलीग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में आज के बारे में? लगा कि ये सब लोग आए जी और हमारे वलीमे में शिरकत की इन लोगों ने जी, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सबका माशाल्लाह जी। तो वसीक भाई तमाम मेहमान जो पहुंचे हैं उन नजीबाबाद उन सब का जो है यहाँ पर खैर मकदम इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? तो सर अलीगढ़ से पहुंचे हैं जी जी। तो माशाल्लाह कैसा रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। खाना वगैरह ले चुके? हाँ खाना। तो आज अहम सुन्नत है निकाह के बाद जो दावत वलीमा होती है, आज दावत वलीमा है, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छा लगा, आने के बाद हमें एक नई जगह आए, बिजनों में पहली बार आना हुआ जी, और वसीम बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे जी, तो बड़ी खुशी हुई आगे, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो आज दावत वलीमा है, ये तकरीब जोड़ी गई है निकाह के बाद जो अहम सुन्नत होती है, तो दुआओं से क्या नवाजना चाहेंगे वसीक भाई को? जो भी लोग देख रहे हैं उनसे यही दुआ है कि जो वसीक भाई के लिए दुआ कर रहे हैं कि वलीमा हो गया माशाल्लाह जी, तो हम बाकी के लिए भी दुआ कर दें कि हमारा भी वलीमा खाएं। बेशक सही बात है। तो माशाल्लाह वसीक भाई तो कुछ टाइम के लिए भूल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? माशाल्लाह मुबारक हो वसीक को जी माशाल्लाह। तो हजरत हमारे अलीगढ़ वसीक भाई को माशाल्लाह, आज खाना बहुत अच्छा था जी, और जो हमने सभी ने बहुत इन्जॉय किया है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं ये है अली बिरादरी बैठी हुई है यहाँ पर, सभी लोग पहुँचे हैं वसीक भाई के फ्रेंड्स और इन्जॉय कर रहे हैं ये वलीमा। यहाँ पर जो है लोग बाग खाना खाने के बाद अब जो है अपने मोबाइल में फुर्सतों के पल यहाँ पर जो है पास कर रहे हैं, टाइम को जो है स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, खाना वगैरह फारिग हो चुका है सब। तो ये एक छोटा सा सेक्शन दिया गया है सिटिंग का, तो लोग खाना खाने के बाद चाय के साथ गुफ्तगू करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मूसा भाई भी पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मूसा भाई?
सर अलीगढ़ नहीं दिखाई दिया आके तरस गए आपको देखने के लिए जी। मेरी तबीयत खराब है, पैरों में परेशानी है। अच्छा, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आप आए, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। तो मूसा भाई नहीं पहुँच पाए थे, थोड़ी तबीयत खराब है, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम हजरात और इंतजार में है। कुछ खाना ले चुके, कुछ खाना लेंगे। और ये मुन्नी आई है खाना खाने के लिए। तो भाई फैजान आंखें तरस गई थी, मिल ही नहीं पा रहा है, ना मंडे में ना बारात में, पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नजीब आप कैसे हो? तो कहाँ गए, क्यों नहीं पहुँच पाए? अच्छा अच्छा, अलीगढ़ नहीं पहुँच पाए? अच्छा हाँ, मैंने देखा था इमरान भाई को, मैं पता कर रहा था। तो कब आए? बिल्कुल अभी आई जी, आधा एक घंटा हुआ है। अच्छा, देखा था मेरा ब्लॉग? हाँ देखा जी, माशाल्लाह मजा आ गया। तो फैजान भाई पहुंचे, देख रहे हैं हम तो आपके। जज़ाकअल्लाह। तो लीजिए खाना, होगी मुलाकात इंशा अल्लाह। तो देखिए, ये कुछ थान वान ले लिया था क्या? माशाल्लाह जो है, देखिए क्यूट सा, कितना प्यारा लग रहा है कोट माशाल्लाह। तो ये वो शख्सियत है जो 20 साल बाद नैटोर पहुंची थी, हमें मिल गए हैं नजीबाबाद में। कैसे अभी भाई? हबीब भाई, आपकी बेबाकी, आपकी स्पीच और आपका सब कुछ याद आता है, मिलते रहा करो सर। ऐसे आपसे मिलने के लिए यहाँ है। ओ माशाल्लाह भाई, बैंकटाले में पधार चुके हैं नजीबाबाद, तमन्ना बैंकटाले में। मैं यहाँ तकलीफ वाले आया हूँ, तो मैं भी अब प्रवेश करूँ। तो हबीब भाई जी, असल में वलीमे में टाइम बहुत ज्यादा होता है और इतना कुछ रस्में वगैरह कुछ होता तो है नहीं है करने को। बाकी लोग खाना वगैरह खा करके यहाँ पर जो है मिल रहे हैं एक दूसरे से और गुफ्तगू हो रही है प्रोग्राम के मुतालिक, अपने स्टाइल के बारे में। और आज उस समद भाई ने तो गजब ढा रखा है जी। सर क्या कहेंगे, मार साहब कोट बड़ा शानदार लग रहा है समद भाई का। 10 में से 10 नंबर। ओ 10 में से 10 दे दिए भाई, तुम्हें देख लो। और इधर ये भाई साहब उम्र को जा रहा है विशाल साहब, वो तो मैंने बात कर ली भाई जान से जी। और इधर भाई, इधर तो 10 में से 11। हाँ, तो जफीर अपनी औकात से बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ पर जो है बुलेट चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब्दुल समी साहब, मूसा भाई, शमशाद भाई यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए भाई वसीक से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज के दिन दावत के अलावा सिर्फ एक रस्म के तौर पर दशहरी जिसको बोलते हैं वो आती है और दुल्हन को अपने साथ वापसी ले जाती है अपने घर पर। तो चलिए, दशहरी पहुँच चुकी है, ले रहे हैं वो लोग खाना, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भी। दशहरी पहुँच चुकी है वसीक भाई के ससुर साहब नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम, पहुँच चुके हैं, ले रहे हैं खाना इस वक्त, और भाई फैजान भी। तो आ गई है दशहरी अलीगढ़ से, तो खाने के बाद होगी बातचीत इंशाल्लाह नबील भाई से भी और उसे भी। भाई अतीक बैठे हुए हैं और ले रहे हैं खाना। अस्सलाम वालेकुम, पहुँच गए खैरियत से, लीजिए खाना इंशाल्लाह होगी बात। तो दशहरी ले रही है इस वक्त खाना। तो माशाल्लाह दो क्यूट सी परियां, तो ये हैं इंशा, इमरान भाई की बच्ची। आप अलीगढ़ नहीं गई थी? व्लॉग देखा था, पापा थे उसमें, ओ एग्जाम था। तो देखिए, ये इतनी इतनी बच्चियां कुर्बानी दे रही हैं शादियों में पढ़ाई के लिए। माशाल्लाह कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह जो है ये कुर्बानी जाया नहीं जाने देगा। तो भाई वसीक ले रहे हैं इस वक्त लंच, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा आज का ये दावत वलीमा। तो ये दशहरी की तरफ से आता है एक छोटा सा गिफ्ट यहाँ पर दूल्हा के लिए, इसमें कुछ स्वीट्स हैं और ये फ्रूट है, ये आया है दशहरी की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह नईम भाई आज पहुँचे हैं एज ए दशहरी, आप हैं अलीगढ़ से। तो सर कैसा रहा सफ़र और कब चले थे वहाँ से? सफ़र अच्छा रहा जी, चले थे जी, आराम से कम्फर्टेबली आए, रास्ते में थोड़ा सा चाय वाय पीते हुए जी, कम्फर्टेबली आए माशाल्लाह। तो पहुंचे नईम भाई दशहरी के लिए और आज जो है बेटी को साथ लेकर के जाएंगे, एक रस्म होती है। ये हैं लड़की के चचा, कैसे हैं कयूम? अच्छा माशाल्लाह, नईम भाई के चचा कयूम भाई जी, जी, जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। तो माशाल्लाह अलीगढ़ गए थे आप, थे वहाँ पे जी, जी, जी। तो कैसा रहा प्रोग्राम, कैसा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, जी। बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत आस पास के वहाँ के जो है लोग भी तारीफ कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत है जी, ऐसा कुछ नहीं करा हम लोगों ने वैसे, नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेलकम किया जी माशाल्लाह, यहाँ भी खाना वाना खिलाया जी, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा इंतजाम किया है जी, हमारे दोनों बच्चों ने जी बड़ी मेहनत करी। नहीं नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको भी तारीफ करना चाहता हूँ, आपको थैंक यू सर, आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं और मैं तो चाहूँगा कि आप इसमें ही काम करें और आगे बढ़ें जी, और इसमें बड़ा स्कोप है जी, और मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको एक प्रोफेशनल यूट्यूबर के जी चक्कर में देखना चाहता हूँ।
ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नबील भाई, कैसे हैं नबील भाई? तो माशाल्लाह वो जो लास्ट का आपका पल था उसको बहुत ज्यादा लोग चाव से देख रहे हैं जब आप थोड़े भावुक हो गए थे। वो तो एक नेचुरल है भाई, देखो सिस्टर जब जुदा हो रही है तो भाई माँ बाप वो माहौल ही ऐसा होता है। बहरहाल ये सब तो होता रहेगा। आप बताएं कैसे हैं और कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम अच्छा था माशाल्लाह, सही था सब जी, बढ़िया सब इंतजाम अच्छे करा था सबने जी, माशाल्लाह भी अच्छा था, बारात भी बढ़िया थी सब जी जी। तो आने में कोई सफर में कोई परेशानी तो नहीं? लंबा सफर है? लंबा सफर तो लंबा है जी, मतलब थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है। अच्छा अच्छा जी जी जी। अब वापिस भी जाना है तो रात मतलब सही है, तो ज्यादा गर्मी मतलब अभी शुरू हुई है, ट्रांजिशन में है अब उसके जी जी, मतलब भैया ठंड अभी है जी, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रूट कौन से रूट से? हसनपुर वाले रूट से? हसनपुर वाले रूट। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह ये है नबील भाई, वो जो आप देखा आपने लास्ट में विदाई में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप आए जुड़े हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह हबीब भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहाँ पर जो है कुछ ज्यादा गुफ्तगु हो नहीं पाई थी हबीब भाई से। हबीब भाई दुबई थे, कब लौटे थोड़ा सा जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं। क्या क्या बताएं जी? बिल्कुल, कब आए थे दुबई से ये बता दीजिए। दुबई गया था और अलग ही शुक्र काफी कामयाब टूर रहा मेरा जी, और अभी आपके साथ हूँ जी, इंशाल्लाह फिर है जाने का जी जी। बाकी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आज, सुकून के साथ सब कुछ संपन्न हो गया। बिल्कुल, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, और हमारे शमीम भाई की मेहनत तमाम जगह खाई पड़ी है, चारों तरफ टीवी में यूट्यूब टीवी पे लगा के देखा जा रहा है आपका चैनल। थैंक यू वेरी मच, ये आपकी मोहब्बत का असर है, आप आ जाए तो ब्लॉग में चल जाता है। 2.5 हो चुके हैं जी, और ये 2.5 मिलियन होने में अब ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। थैंक यू आपको, जजाकल्ला, और आपको शुभकामनाएं, जजाकल्ला माशाल्लाह। बहुत ही सुहाना पल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नईम भाई राइट हैंड पे वसीक और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है अमीक, माशाल्लाह कयूम भाई भी आ चुके हैं, तो बहुत ही खुशी का पल है। लोग खाना ले चुके हैं दशहरी वाले और आपस में एक गुफ्तगू करते हुए फ्रेंडली। बस ये आए सहारनपुर से, ये सहारनपुर से आए, और आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम? अकीलुर रहमान। अकीलुर रहमान। हेलो, सलाम वालेकुम। अकीलुर रहमान मेरे पापा है और वे इस टाइम अफ्रीका है, और उनको मैं बताना चाहती हूँ इधर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आप जो है इत्मीनान से रहे, माशाल्लाह आपकी बेटी ब्लॉगर बन गई है और जो है बहुत कुछ कर रही है इस बार ब्लॉग में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, हम आपको हर पल की डिटेल देते रहेंगे, और आप अपने खैरियत से रहिए, सब कुछ सही रहेगा यहाँ पे। और थैंक यू, देखिए आप यहाँ पे अच्छा व्लॉग चल रहा है। ये अभी पूरा उनके भाई सबसे छोटे शैतान, और ये महफूजुर रहमान है, ये भी शैतान है, और ये व्लॉगर है जिनका मैंने व्लॉग छीन लिया। ये तो वही पुराना चेहरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई फैजानुर रहमान साहब, सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं, इस वक्त ऐसे दशहरी में आए हुए हैं। फैजान भाई आपका स्वागत है। तो मिस कर रहे हैं हम गुड्डू भाई को, इस वक्त है अफ्रीका, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैसेज? वो जहाँ भी रहे खैरियत से रहे, अल्लाह ताला खैरियत से रखे, आमीन, सेहतमंद रखे, आमीन। वैसे तो ये तो जिंदगी है, ये चलता ही रहता है, कोई कहीं कोई कहीं। बिल्कुल जी, बस ये है कि सेहतमंद रहे, अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम के बारे में आज के जो है, ये प्रोग्राम बढ़िया है माशाल्लाह, अल्लाह शुक्र है, बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया खाना है, बढ़िया तवाज़ो है। बिल्कुल भाई, जहाँ शमीम भाई होंगे वहाँ तो बढ़िया ही होगा इंशाल्लाह। जहाँ आप होंगे माशाल्लाह वहाँ तो वैसे ही रौनक आ जाएगी। तो इधर बैठे हुए हैं भाई, और खरगोश ने आज आखिर कपड़े बदल ही लिए, देखिए आज चेक से ब्लैक हो गए खरगोश। अरे माशाल्लाह, लुकिंग सो गॉर्जियस, फैंटास्टिक, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लुकिंग आ रही है। कैसे हो मसूर साहब? माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये क्या चक्कर है कि आपका अपना प्रोग्राम और एंड में ही दिखाई देते हो व्लॉग में?
नहीं आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ मैं था। और आपकी मुलाकात लास्ट में हुई कोई बात? असल में ये लेडीज खाने में थे, चूंकि जिम्मेदार है मामू है तो ये थे, लेकिन खरगोश आज जो है माशाल्लाह लुकिंग बढ़िया आ रही है। इन खरगोश के दाएं बाएं जो है दोनों जो है मसूर भाई की जान जुड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं हजरत? तो सर बारात में नहीं पहुंचे आप? बस अच्छा कुछ मसरूफियत थी जी। अच्छा अच्छा कुछ काम था तो आज पहुंचे हैं वलीमे में जी। हजरत आप तो माशाल्लाह वहाँ थे, आज का कल परसों का क्या कहना चाहेंगे इन प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र से जी। मेहमान नवाजी अच्छी हुई, इधर भी अच्छी हुई जी। आमीन। दोनों तरफ जिन्हें इनवाइट किया गया था सब पहुंचे माशाल्लाह। अच्छा प्रोग्राम अल्लाह। तो कुछ और नसीहत के दो लफ्ज कह दें, कुछ कमी जो महसूस होती है आजकल जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके मुतालिक कुछ सोशल मैसेज जो आप देना चाहें हमारे चैनल के जरिए? सोशल मैसेज तो भी अहले मामला में खड़े होकर नहीं दे सकते, ये लगता है। और अभी रुकना भी है शाम को। सही बात है, ये बात सही है जी। जी मसूद भाई, ये हाफिज फुलान है, मौलवियत में है जी। माशाल्लाह रहमान, अभी मेरा बच्चा सी है जी माशाल्लाह। तो इन दो कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माँ का बाजू बनाए जी, और अल्लाह ताला इनके वालिद साहब का जो मरहूम है हुजूर रहमान डॉक्टर हुजूर रहमान फारूकी साहब जी, उनका नाम रोशन करेंगे। आमीन आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जुट हुए हैं भाई अमीक और वसीक भाई के बड़े भाई, वालिद साहब को मरहूम और वालदा को जन्नत फिरदौस अता फरमाए। तो जिम्मेदार इस वक्त जो है अमीक भाई है। तो जी अमीक भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए शमीम भाई, आज बड़े मेरे छोटे भाई का वलीमा था जी, काफ़ी लोगों ने शिरकत करी जी, इनको हमने दावतनामा भेजा जी, वे आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अल्लाह का करम रहा हमारे ऊपर कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम अल्लाह ने इज्जत से फारिग कर दिया, ये उस अल्लाह पाक का एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह इन दोनों में प्यार मोहब्बत रखे, हम लोग मान रखे, बस यही मेरा कहना है, यही दुआ है, यही दुआ दूंगा मैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है बारात का और वलीमे का जो ये क्या बोलते हैं ब्लॉग बनाया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जरिए से भी काफी लोगों को जो है ये प्रोग्राम जो नहीं आ पाए वो कम से कम देख के ही खुशनुमा माहौल बना लेंगे अपना। बिल्कुल माशाल्लाह। तो ये थे भाई अमीक वसीक भाई के बड़े भाई, इन दोनों प्रोग्रामों के सरपरस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अमीक भाई। तो दोस्तों 5 तारीख को बारात गई थी अलीगढ़, 6 तारीख को हम वापसी आए थे, 6 तारीख में हमने रेस्ट लिया, आज है 7 तारीख, आज है दावत वलीमा वसीक भाई का। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दोनों प्रोग्राम रहे, लोगों ने खूब इंजॉय किया, खाना बहुत टेस्टी रहा, डेकोरेशन इंतज़ाम मैनेजमेंट एवरीथिंग इज ओके, बहुत ही बढ़िया रही। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग नजीबाबाद से तमन्ना मैरिज हॉल। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखें आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।